हाँ जी, राम राम, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं और हनी आए हैं काउ शेड, काउज़ को अंदर करने, अपनी गायों को। और ये है सोनिया, तो ये बांध लेता है। इसको सिखा भी रही हूँ मैं अभी काम की, चलो फिर बाद में दिक्कत आएगी। और इसने इसको ना गिरा दिया, सोना देखा ना। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सच्ची में बहुत मस्ती करती है ये। देखिए, आपने सिया की मस्ती अभी और देख लीजिए। इटली से हैं क्रीता दीदी, वो इसका क्लिप मांग रहे थे। आज मैं भेजूंगी शायद उनको। इसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, तो बहुत शादी होगी। तो अब यहाँ पे हनी ऊपर उठा लेगा, फिर हम खेतों में जाएंगे। और खेतों का बहुत अच्छा शूट किया है सबने, देखिएगा जरूर। आज मैं नहीं बोलूँगी, देखिए जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। बाकी मैं नहीं चाहती आप मुझको, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। तो यानी गोबर उठा रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे गोबर उठाने के बाद हम इस गोबर को ले जाएंगे खेतों में। तो फिर बाद में इसमें झाड़ू लगाना पड़ता है अच्छी तरह से। तो ये अभी उठा रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ कि अच्छी झाड़ू तूने अच्छा नहीं लगाया। चलो आजकल वो लॉकडाउन चला हुआ है तो छुट्टियां हैं, इस बहाने से काम भी सीख लेंगे ये, क्योंकि होमवर्क तो कुछ नहीं है इनको, पेपर है इसके हुए हुए हैं। तो अब इसके पास मैंने डाल चुकाई और मैंने दराटी ली, और यहाँ पे गोलू भी आ गया है, आप देख सकते हैं गोलू को भी। और फिर हम जा रहे हैं अब खेतों में, वहाँ से हरा घास भी लाएंगे और इस गोबर को खेतों में फेंक देंगे। गोलू ऊपर चला गया, इसको बुला दूंगी मैं नीचे कि तू नीचे आ जा। हम नहीं, हम जा रहे हैं खेतों में, तो आ गया ये, देखिए आगे हो गया। और आजकल हरियाली है, गेहूं है, चारों तरफ मतलब हरियाली हरियाली है, जैसे बारिशें हुई है ना। ये हमारा घर है, और ये यहाँ पे जौ है, मेथी है थोड़ी सी, और ये रास्ता गया जिसमें गेहूं लगाया मैंने, उस खेत को गया है रास्ता, ये देखिए। तो अभी मैं और हनी जा, यहाँ पे दराटी लगा के चलते हैं हम कहीं वहाँ। तो अभी हम मैं और हनी जा रहे हैं खेतों में। मैंने सोचा कि आज आपको ना खेत दिखा देते हैं। वैसे भी सच्ची में लोग अंदर ही अंदर ना बोर हो जाते हैं, तो शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम तो फिर भी गांव में घूमते रहते हैं बाहर इधर उधर, क्योंकि हमें पता है कि हम के कहीं पर नहीं गए हैं, किसी के संपर्क में, ऐसे आदमी के संपर्क में नहीं आए हैं जहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत हो। तो आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, अच्छा पार चलते चलते मतलब वहाँ तक पहुँच चुकी ना, तब तक मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा ना, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वैसे आज एक और कमेंट आ गया था वो ऐसा ही, चलो मैं वैसे डिस्कस नहीं करूँगी इस चीज़ के ऊपर, लोग जानबूझ के टांग खींचते नहीं तो। और ये देखिए खेत भी देख लीजिए पहले, यहाँ से खेत ये गाँव वालों के हैं। देखो गेहूँ शुरू हो गई यहाँ से, तो हरे भरे खेतों में बहुत अच्छा लगता है ना, एक मन अजीब सा हो जाता है। मेरा मन भी आज कुछ ऐसा ही था ना, तो मैंने सोचा चलो खेतों की तरफ हरा घास ले आएंगे हम गायों को, होता नहीं हमारे पर ऐसे छोटा छोटा कहीं ढूंढ के। हनी प्यारा पीछे, हनी गाने वास्ते कर दे, इसने गाने लगाए वो ना। तो और मैं पता नहीं ना कितनी बार बोल देती हूँ, मुझे एक आज एक और बोल रहे थे कमेंट में ना कि बार बार बोलते रहते हो भाई जे पूरी देखो या स्किप मत करो, लैक्मी कुछ ऐसा करके थे। तो भाई पता है, हाँ हो जाता है मुझसे कई बार ना, गलती भी हो जाती है, बार बार तो नहीं बोलना चाहिए सच्ची में। पर क्या है ना कि मैं पता क्यों, हाँ इसी जाना सो, पता मैं क्यों बोलती रहती हूँ कि आपसे ना कुछ छूटे ना, मतलब कोई सीन ना छूटे। देखो छोटी छोटी चीज़ें, वैसे भी आजकल जो घर में लोग उनको जरूरत है ऐसे देखने की, पहाड़ वगैरह हरियाली, कितने दिन अंदर ही हो गए नहीं। तो ये देखो
बहुत सुंदर लग रहा है ना। अभी अपने खेत में पूरा दिखाऊंगी मैं आपको, हनी शूट करेगा ना उस टाइम। तो ये देखिए अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। सिल्ले सिल्ले बोलते हैं हमारे कणक के, उसमें हमारे ना लेट होती है फसल यहाँ पे। कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठंड भी होती है ना, तो ठंड की वजह से यहाँ थोड़ा लेट ग्रो करती है हर चीज़, कुछ भी हम लगाते हैं। तो आज मैंने बीज भी लगाने थे कद्दू वगैरह के, तो चलो उसको कल दिखाऊंगी आपको, कल लगाऊंगी मैं। ये वाला ये है हमारा खेत, और इस खेत का नाम। तो चलिए अब हम पहुंच गए, ये जो हनी ने डाल लाई थी ना, ये यहाँ पे फेंकेगा कोने में, फिर बाद में इसको हम खेतों में फेंक देंगे। जब गेहूँ कट हो जाएगा ना, तो उसके बाद उसको खेतों में फेंक देंगे। और कितना मन खुश होता है अपने खेतों में जाके, हरियाली देख के, फसल देख के, कि अच्छा है। दो तीन बार तो ना जंगली जानवरों ने दिखा दिए, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको ना नज़दीक से। इसमें अभी सिल्ले भी नहीं पड़े कहीं कहीं पे, जहाँ पे ये खाई है ना जंगली जानवरों ने, वहाँ पे सिल्ले नहीं है। तो जैसे खरगोश होते हैं और जंगली हिरण, कई कुछ होता है जो खा देते हैं। तो सामने हमारा गाँव दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हम घास लेंगे यहाँ पर। तो मैंने सोचा आप लोग, चलो कुछ और नया दिखाती हूँ आज। तो अब ये देखिए साथ में लोगों के खेत है परली साइड में, गांव वालों के, और यहीं पे हमने लकड़ियां काटी थी पीछे, जो देखते हैं उन्हें हर रोज़ वीडियो, उनको पता होगा। तो कहीं कहीं पे ठीक है गेहूँ, कहीं कहीं पे ठीक नहीं है। तो बस ऐसा ही है। और हनी जल्दी जल्दी शूट कर रहा है ना, तो ढंग से नहीं दिखता। और ये साथ में ही रोड है हमारा। और अब मैं ना इसमें गेहूँ के बीच में छोटा छोटा घास होता है ना, जो थर हो गए से जाणो है, दरोड़ा बोलो देते हैं उसको, बोलते हैं हम दरोड़ा अपनी भाषा में। और ये पता नहीं हनी क्या कर रहा है, हनी कर रहा था शूट इसको, किस तरह से कर रहा है ये। और ये साथ में रोड है हमारे गांव का, जो रोड है यहाँ से बस जाती है, और गाड़ियाँ तो जाती जाती हैं छोटी मोटी, तो बस भी जाती है यहाँ से। और तो ये देखिए ये वाला घास में जो बीच में होता है ना बेकार, मतलब ऐसे ही, और कुछ सरसों है उसको भी मैं उखाड़ रही हूँ, क्योंकि वो कोई कोई डाली है बिरली बिरली, तो उसको गायों के लिए ले जाएंगे हरा घास। एक एक डाल ले जाते हैं हम और फिर उसको मिला देते हैं सूखे घास में। तो मुझसे पूछा भी था किसी ने कि आपके जो है वो घास नहीं होता सूखा हरा, क्या बोलते हैं, तो वो घास नहीं होता हमारे, इतना ज़्यादा हरा नहीं होता, बरसीन वगैरह नहीं होती। सामने गांव दिख रहा है और नीचे, सबसे नीचे हमारा घर दिख रहा है। तो बस ऐसा ही ले जाते हैं हम, छोटा मोटा आया होता है कहीं पे, और सूरज ढल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा शाम का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सपोर्ट आपका मिल रहा है मुझे। ये देखिए ये वाला घास मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ओ भाई सो दे रखना, देखिए इधर मैं सीनरी दिखा रही हूँ। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ घास, देखो हनी ने नहीं दिखाया आपको ना, ये इतनी कनक होती है हमारे, देखो कितनी कितनी कनक होती है। और ये ना ये खा दी है किसी ने, लंबी थी ये, पता है ये पता नहीं किसने, पीछे देखो पीछे, ओ पीछे देखो पीछे बड़ी बड़ी है। तो देख पता है आप बोल रहे थे ना कि हमारे घास नहीं होता, हमारे नहीं होता घास यहाँ पे, ये देखिए ये वाला घास होता है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ना ये यहाँ से करना पड़ता है। तुझे पाप जाएगा बोले और बस इसको फिर थोड़ा सा रूट के गंडासे से रूटना पड़ता है, क्योंकि टोका तो है नहीं मेरे पास, है पर वो खराब खराब है, हर चीज़ को बोलती रहती हूँ खराब है खराब है। पता है अजीब जैसे कमेंट आते हैं लोगों के ना, पर मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव जो कमेंट होते हैं ना वो बहुत होते हैं। तो अब आप लोगों ने बोला है कि इसकी परवाह मत किया करो, तो मैं करती नहीं सच्ची में। और बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे, अच्छा लगता है मुझे जब आप मुझे बोलते हो कि ये वाला काम नहीं किया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो वो करते हैं ना दूसरे वाले ये वो, तो वो अच्छा नहीं लगता सच, पता है। देखो कितना बड़ा खेत है, यहाँ पे बनाऊंगी मैं काउ शेड अगर कभी हुआ पॉसिबल हुआ तो, कि यहीं पे है थोड़ी सी जगह ना। तो
अभी हम कर लेते हैं घास, कितना अच्छा लगता है ना खेतों के बीच में हरी 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 हरियाली और छिपता हुआ सूरज। देखिए आज मैंने ये निकाली है, सीधी चल अच्छी लग रही है। तो ये देखिए अब हम चल पड़े हैं घर को। ये भी लोगों के ही खेत हैं, गांव वालों के। और ये यहाँ पे कुछ दागले के पेड़ होते हैं, कुछ कैंथ के होते हैं, कुछ ब्योड़ होते हैं। और ये जौ है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो ना, ये कणक नहीं, ये जौ है। और ये रास्ता गया खेत से, हनी ने पता नहीं कैसे शूट किया है, क्लियर तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी भी नहीं। और बहुत से लोगों ने ना, बहुत से लोगों ने बुलाया है, अब मुझे ध्यान नहीं इतने का कि आपकी वीडियो देख के ना हमारा बहुत स्ट्रेस दूर होता है और हमें कोई प्रॉब्लम हो वो भी मतलब दूर हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई सच्ची में पढ़ के, तो मैंने अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश की आज फिर से। और किसी ने मुझे खाद के लिए भी बोला था, तो खाद भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर हनी ले गया घास और मैं अब चल रही हूँ ऐसे। और फिर अब हम ना काऊ चढ़ जाएंगे, हनी आज काऊ मिल्किंग करेगा, तो अभी यहाँ से हम वो खाने को ले जाएंगे। बताऊँगी मैं कि कितना कितना देते हैं हम गायों को खाने के लिए। तो देखिए ये है हमारे नीचे वाले कमरे हैं जहाँ पे स्टोर भी है हमारा। तो हनी यहाँ पे फ़ोन सुन रहा है और इसने उंगली काट दी है। यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है स्टोर में, तो ऐसे ऐसे मुझसे पूछा था कि आप क्या देते हैं गायों को, तो हम ऐसे देते हैं कि दूध के हिसाब से देते हैं। जैसे 10 किलो दूध अगर पशु देता है तो उसको 5 किलो फीड चाहिए होती है दिन की। आप चाहे ढाई ढाई किलो दे दो, चाहे एक टाइम दे दो। तो यहाँ पे हमने नाप रखा हुआ है, 2 बाटू बोलते हैं हम इसको, जो छोटा सा बर्तन है। 2 हम दर्ड के डालते हैं, 2 फीड के डालते हैं। दर्ड फीड, दर्ड मतलब जो गेहूं का और जौ का होता है ना उसको, तो 2-2 करके डालती हूँ मैं, क्योंकि फिर देखना पड़ता है। दोनों छड़ में सुबह अब इसको मैं लेके जाऊँगी, ये हरा घास और बाल्टियाँ लाएगा। बाल्टी नहीं तो चले बाल्टियाँ लिया उबते और तू इस डाल रही है। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे भिगो देते हैं उसको इसको, पर अगर पहले भिगो के रख देना, ये यहाँ पे मैं भी केयरलेस हूँ थोड़ा सा, इस फीड को अगर पहले भिगो के रखते ना 8-7 घंटे पहले, तो अच्छी तरह फूल जाती है दर्ड भी और ये फीड भी, तो पशुओं के लिए अच्छी होती है। तो इसमें हम कैल्शियम भी डालते हैं, पर वो सुबह डालते हैं, नमक भी डालते हैं थोड़ा सा, और तारामीरा, ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और आजकल गर्मियों में तेल भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये सब चीज़ें सुबह होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं शाम के टाइम का दिखा रही हूँ। तो अभी खाली फीड और दर्द ही है, तो इसको भिगो के रख देते हैं इस तरह से। और पहले पर आज नहीं भिगोई ना, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी मैं भिगो भी देती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि जो बुलबुल है ना वो देती है पाड़ा, पाड़ा मतलब उसको पहले खाने को देना पड़ता है, उसके बाद ये करते हैं हम, तो बैठते हैं उसको मिल्किंग करने। तो यहाँ पे हम पहले मैं कर लूँगी मिल्किंग, फिर हनी करेगा। यहाँ पे मैंने परी और इसको भी दे दी है खाने को, फीड सिया को भी। तो देखो एक ही तसले में खा रही है दोनों, इसको तसला लाना पड़ेगा, सिया को अभी तसला नहीं है मेरे पास, तो इसको तसला लाना पड़ेगा छोटा सा ना। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ बुलबुल के पास मिल्किंग करने। और बुलबुल आजकल मेरी कम दूध देती है, इसको 1 साल हो गया सूई हुई को, और फिर इसने आगे को भी टिक्का ले लिया है। तो फिर हनी को सिखाऊंगी आज दूसरी गाय के पास थोड़ा थोड़ा कि कैसे जो है गायों को मिल्किंग करते हैं। तो चलिए अब बुलबुल को तो कोई दू नहीं सकता ना, वो बहुत ख़राब है। तो ये है सोनिया, ये कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पे हनी मिल्किंग कर रहा है आप देख सकते हैं, तो अब इसको थन पकड़ना नहीं आता उस तरह से। पहले ये मिल्किंग कर भी लेता था थोड़ी बहुत, अब वो काफ़ी दिन हो गए इसको गायों के पास नहीं बिठाया मैंने, तो ये भूल रहा है। तो बस इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे थन पकड़ने हैं, तो अभी बस ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है सिर्फ। और कोशिश करने से हर इंसान सीख जाता है, कुछ भी काम हो, कोई भी काम हो। तो यहाँ पे हनी मिल्किंग कर रहा है, और ये देखिए तो सीख जाएगा, जब ये मिल्किंग सीख जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं, मेरे को बहुत सहारा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे, फिर मैंने बोला तू हट जा मैं करती हूँ। तो बच्चे हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है हर काम। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर, और आज हमारे लाइट नहीं है, तो छोटे छोटे बल्ब बर रहे हैं, तो मैं आग जला रही हूँ यहाँ पे।
चूल्हे के ऊपर बनाऊंगी खाना, क्योंकि इंडक्शन भी बंद है और गैस मेरे है नहीं, गैस खत्म हुआ काफी दिन हो गए, अभी 12 तारीख को आनी जी। तो वीडियो आपने देख लिया है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी शाम के 8:30 हो रहे हैं और हमारे लाइट नहीं आज, पता है आपको? नहीं आपको कैसे पता होगा, मैं बताऊंगी तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे लाइट नहीं और हाँ क्या बोलती रहती हूँ मैं बार बार, पूरा देखिए स्किप मत कीजिए। अरे मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि आप लोग कुछ मिस ना कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे देखना चाहते हो देखो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे ना मक्की की रोटी बना रही हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे भी कहा था किसने कि जूम करके दिखाइएगा जो मक्की की रोटी होती है ना, तो ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रही होनी आज की, नहीं दिख रही होनी, इस तरह से ऐसे एक ही रोटी पकाऊंगी, फिर मैं आपसे बातें भी करूंगी ऐसे। तो पता है मेरे क्या कुकर हनी रोटी भी खा रहा है यहाँ पे, देखिए आपने आज इसकी काउ मिल्किंग करता है ना, काउ मिल्किंग अच्छी तरह से। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरा बड़े अजीब अजीब शौक है, पता है आपको, क्योंकि मैं खुद को ना हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ। देखो मुझे गाना नहीं आता उस तरह से जिस तरह से लोग गाते हैं ना, मतलब अच्छी तरह से वैसा मुझे गाने नहीं आता, फिर भी मैं खुद को ना सबसे बड़ा सिंगर समझती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा गाना आता है। तो मेरा हमेशा बचपन से एक शौक है, एक शौक है ना, मैं खुद को ऐसा देखती हूँ जैसे मैं बहुत बड़े स्टेज के ऊपर गा रही हूँ और बहुत से लोग हैं वहाँ पे, आप इसको पागलपन बोलो या कुछ भी बोलो, बट मैं खुद को मतलब ना हमेशा हर परिस्थिति में खुश रखती हूँ, जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए। तो ऐसे जैसे मेरे हाथ में ऐसे हो ना कुछ, मैं इसको माइक बना लूँगी जैसे ऐसे और गाने लग जाऊँगी बड़े प्यार से, मुझे ये शौक है, मेरा शौक है मतलब। तो चलिए मैं आपको गाना भी सुना देती हूँ यहाँ पे, जब शौक की बारी आई है, जबकि मुझे सुर ताल लय का कुछ पता नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश ये लगता है मुझे कि नहीं मैं सबसे बेटर गाती हूँ, मुझे सबसे अच्छा गाना आता है। तो ले ले और तो क्या गाऊँ मैं, हाँ मुझसे किसी ने ना सैड सॉन्ग की वो की थी कि आप सैड सॉन्ग नहीं गाते, तो मैं बहुत कम गाती हूँ, मैं माता रानी की गाती हूँ। और हाँ कल मुझसे पूछा था कि आपने कंज की नहीं बिठाई, तो एक्चुअली अभी नहीं बिठा सकती मैं, कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। और चलिए तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे आप लोगों के, बहुत खुशी हुई मुझे वो कमेंट पढ़ के, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पे, वो दूसरे बल्ब नहीं होते LED वो वाले जल रहे हैं, बाकी सारी लाइटें बंद है, क्योंकि एक फेस पे, एक फेस ना नहीं 3 फेस होती है ना लाइन, तो 1 फेस पे है शायद, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, फिर से आ जाएगा कोई कमेंट पागल औरत भाई, जितना पता होता है उतना ही बताती हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको आज सैड सॉन्ग सुना देती हूँ, नहीं थोड़ा सा एक किसी के बोलने पे, वो भी क्योंकि वो बोल रहा था भैया कोई बेचारा कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो बहुत से वैसे तो हर जगह पे आजकल सैड सॉन्ग मिलते हैं आपको यूट्यूब पर, चलो मैं सुना देती हूँ। अशिकों के लेके धारे, अशिकों के लेके धारे, बेआस बेसहारे, लो हम तो जा रहे हैं अब शहर से तुम्हारे, अशिकों ये देखिए माइक मेरा, अशिकों के लेके धारे, बेआस बेसहारे, लो हम तो जा रहे हैं अब शहर से तुम्हारे, मुफलिस गरीब हम हैं औकात क्या हमारी, धरती का बोझ है हम नजरों में अब तुम्हारी। लास्ट वाला तो भूल गई अच्छा चलो चलिए हो गया मेरा शौक, अजीब अनोखा अजीबो गरीब शौक है मेरा, आप लोग भी हंसेंगे कि ये क्या पागलपन है, नहीं कोई बात नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा बुरा है नहीं, होना चाहिए ऐसा शौक, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े स्टेज पर हूँ, बहुत से लोग हैं वहाँ पे और मैं गा रही हूँ, तो मैं सबको बोलती हूँ पॉजिटिव है, बहुत ही अंधेरा हो रहा है कुछ बिल्कुल ही नहीं, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है, ठीक है।
तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। अब मैं बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दूंगी बैड कमेंट पे, आप लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूंगी जो मुझसे प्यार करते हैं। बाकी ये जानबूझ के मुझे जो करेंगे ना, उनका मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। तो ठीक है, बाय, जय माता दी, खुश रहिएगा। और फिर मैंने मैगी बनाई आज, चावल बनाए, रोटी बनाई। हाँ, एक और क्वेश्चन का प्लीज जाते जाते मैं आंसर दे दूँ। मुझसे बोला था कि आप जहाँ पे बनाते हो वहाँ पे खाते हो। हम गांव वाले सारे ऐसा ही करते हैं, गांव में यही होता है कि चूल्हे पे बनाना, चूल्हे के पास बैठ के ही खाना। ठीक है, जय माता दी, राम राम। आप लोगों के सजेशन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। ये नहीं सोचना कि हम कैसे बताएंगे, मैं बुरा मानूंगी।